तो यही बोलना चाहेंगे कि मतलब अगर स्कूल में भी, स्कूल से इम्पोर्टेंट तो आज के टाइम में कुछ नहीं है, बच्चे जो भी सीखते हैं स्कूल में ही सीखते हैं, क्योंकि स्कूल बच्चे का पर्सनालिटी को अलग लेवल पे ले जाता है, जो कि कोई कोचिंग में आके बच्चे 2 घंटे और 1 घंटे में नहीं सीख सकते। बच्चे कोचिंग में आके सिर्फ अपने जो सिलेबस है बस उसको सीख सकते हैं। बेसिकली ये 2018 नवंबर में टॉपर केयर इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ। मेन उस समय हम कहीं और भी पढ़ाते थे, दूसरे इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेते थे, बट उसके बाद मेरा फीडबैक अच्छा आने लगा बच्चों का, तो और कुछ कुछ जगह जहाँ पे पढ़ाए वहाँ पे कुछ कमी नज़र आ रहा था, कि मतलब वहाँ बच्चों को हम कुछ और देना चाह रहे थे, जो बच्चों को और दे सकते जिससे बच्चे और प्रोग्रेस करें अपने लाइफ में। इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि हम अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे बच्चों को एक नया तरीके का लर्निंग प्रोवाइड करें। देखिए मेनली बात है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कन्वेंशनल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और हम लोगों का मेन एम है कि कन्वेंशनल लर्निंग को हटा करके एक नया लर्निंग टेक्निक लाना, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, बच्चों का थिंकिंग भी चेंज हो रहा है, बच्चे थोड़ा इंडल्ज हो रहे हैं, उनका टाइम भी इधर उधर इंडल्ज हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, सोशल मीडिया, मोबाइल, गेम, तो उस केस में बच्चों को हम लोगों को इस टाइप से लर्निंग प्रोवाइड करना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई पे रहें, उधर से वो भी ज़रूरी है आज के टाइम में, सोशल मीडिया का अवेयरनेस, इंटरनेट का भी अवेयरनेस ज़रूरी है, बट बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे हो। और दूसरे इंस्टीट्यूट का क्या है कि टीचर्स जो हैं वो वही ओल्ड टेक्निक ही पढ़ा रहे हैं, न्यू टेक्निक्स बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं, जो इसीलिए बच्चों रांची से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, कोटा, पटना, बच्चे इन सिटी भागते हैं। अगर सारे टीचर मिल करके रांची में ही अगर अच्छे से बच्चों के करियर पर फोकस करें, बच्चों को एक नया टेक्निक्स लाए, नया टेक्निक्स डेवलप करें जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को ग्रैप कर पाए और बच्चों को अच्छा कंसेप्ट क्लियर करें, बच्चे का बेसिक अच्छे करें, तो फिर आई डोंट थिंक कि बच्चों को रांची से बाहर जाना पड़ेगा, रांची भी एक एजुकेशनल हब बन जाएगा। मैम यहाँ पे बेसिकली 6 to 12 का अभी पढ़ाई हो रहा है और 6 to 12 में हम लोग मेनली फाउंडेशन कोर्सेज पे फोकस करते हैं, बच्चे 6 to 10 के लिए बच्चों का स्कूल लेवल और बच्चों का बोर्ड लेवल, ये दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं। स्कूल और बोर्ड के अलावा हम लोग बच्चों को क्लास 6 से ही एडवांस लेवल की भी पढ़ाई कराते हैं, जिससे बच्चे अगर 10th के बाद या 12th के बाद अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, साथ में अगर वो UPSC या किसी सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS और गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जहाँ पर मेन जो वेटेज होता है वो GK और GS का होता है, तो इसके लिए हम लोग SST पे भी काफ़ी फोकस करते हैं अभी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब पे बच्चों को 6 से ही हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं और काफ़ी एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि बच्चों का बेसिक अच्छा रहे, ताकि उन एग्ज़ाम में जब आगे जाके उनका प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उनका बेसिक स्ट्रांग रहे, उनको बस थोड़ा सा अपने आप को ब्रश अप करना हो और वो ईजिली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। और साथ ही साथ हमारे बच्चे ओलंपियाड में भी अच्छे करते हैं, हम लोग बच्चों को स्कूल लेवल के साथ साथ ओलंपियाड एंड अदर कंपटीशन जो अभी 6 to 10 या 12 लेवल पर होता है उनके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बट बात है कि बच्चे, ये आपने सर्च किया कि बच्चे जो हैं मेनली हर बच्चा आज के टाइम में कोचिंग ज्वाइन करता है और उनको ट्यूशन का जरूरत है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों होता है, कुछ तो लूपहोल्स हो गए स्कूल के लर्निंग में इसीलिए। और बच्चे के फीडबैक भी कभी कभी मिलते हैं कि स्कूल्स में टीचर क्लास में नहीं आते, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, वो चैप्टर को ख़त्म करने पे लगे होते हैं कि जितना जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो यही बोलना चाहेंगे कि मतलब अगर स्कूल में भी, स्कूल से इम्पोर्टेंट तो आज के टाइम में कुछ नहीं है, बच्चे जो भी सीखते हैं स्कूल में ही सीखते हैं, क्योंकि स्कूल बच्चे का पर्सनालिटी को अलग लेवल पे ले जाता है, जो कि कोई कोचिंग में आके बच्चे 2 घंटे और 1 घंटे में नहीं सीख सकते।
बच्चे कोचिंग पे आके सिर्फ अपने जो सिलेबस है बस उसको सीख सकते हैं। अगर हमसे बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो काठीटाड़ चौक रातू में पड़ता है, जो कि सेकंड फ्लोर सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स, इसका कंप्लीट एड्रेस है सेकंड फ्लोर सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स काठीटाड़ चौक रातू रोड रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है मैम 7464066161 और सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9955920446। इन पे कॉल करेंगे तो हमारे जो काउंसलर हैं उनसे बात होगी और उनसे। Thank you.